यूपी के मथुरा में थाना हाईवे इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान शातिर लुटेरे इरफान उर्फ दाऊद के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका दूसरा साथी वीरेंद्र मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लुटेरे इरफान को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि थाना हाईवे के NH 2 पर बाजना पुल के पास से वृंदावन के रहने वाले नरसिंह से दो बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर मोबाइल और 2000 रुपये लूट लिए थे। नरसिंह की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित से घटना की जानकारी ली और इलाके में वाहनों की चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसी दौरान भरतपुर रोड तारसी बम्बे के पास पुलिस जब बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी, तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने बैरियर तोड़कर भागने का प्रयास किया और पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने गोली चला दी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस मुठभेड़ में मथुरा निवासी इरफान उर्फ दाऊद के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करा दिया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा है। फरार हुए बदमाश का नाम वीरेंद्र बताया गया है। पुलिस ने घायल हुए बदमाश के कब्जे से 2000 रुपये, मोबाइल और बाइक के साथ ही एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक फरार हुए बदमाश को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और उसी के बाद ये लूट दो व्यक्तियों के द्वारा एक मोटरसाइकिल, जो कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, उसके द्वारा तमंचे के बल पर एक मोबाइल और 2200 रुपये लूटे गए थे। उसी के बाद लगातार पूरे जनपद में चेकिंग के आदेश दिए गए थे और यहीं भरतपुर रोड पर भी थाना हाईवे पुलिस द्वारा बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जब ये मोटरसाइकिल में जो सवार व्यक्ति है, जब बैरियर्स के पास में जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो रुका नहीं और साइड में जाकर उसने अपनी मोटरसाइकिल गिरा दी और पुलिस के ऊपर वो अंधाधुंध फायर करने लगा। जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिससे कि उसके दाहिने पांव में गोली लगी है। जनमत न्यूज़ के लिए मथुरा से सैयद जाहिद की रिपोर्ट।